पाइवट टेबल की सीरीज को एडवांस की तरफ कंटिन्यू करते हुए आज हम क्रिएट करेंगे ऐसा पाइवट टेबल जो डिफरेंट टेबल्स से बना होगा और ये टेबल्स डिफरेंट वर्कशीट्स में प्लेस। अगर आप सोच रहे हैं कि डिफरेंट वर्कशीट में पड़े हुए टेबल से हम एक पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखें। हाई शालिनी, वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल से पाइवट टेबल को क्रिएट करें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास फर्स्ट टेबल है जिसका नाम है जनरल, और इस टेबल को भी मैंने जनरल नाम ही दिया है, जिसमें कि तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। ये स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकंड मेरे पास टेबल है जिसमें उनका एडमिशन का रिकॉर्ड है, और इसमें भी मेरे पास तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, एडमिशन नंबर एंड मेथड। इस तरह से उन्होंने एडमिशन ली है, ऑनलाइन मोड से ली है या फिर ऑफलाइन मोड। एंड थर्ड जो मेरा टेबल है दैट इज़ पी, रोल नंबर है उनके, किस मंथ की उन्होंने पे की है और कितनी अमाउंट उन्होंने पे की है। तो ये तीन डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर टेबल्स हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन तीनों का मैं डिफरेंट पाइवट टेबल क्रिएट ना करूँ, मैं एक पाइवट टेबल क्रिएट करूँ जिससे मुझे इन तीनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए और उसको मैं इजीली एनालाइज कर सकूँ। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप है क्या बेसिक? अगर आप मेरे तीनों टेबल्स को ध्यान से देखिए तो इनमें एक फील्ड को कॉमन है, दैट इज रोल नंबर। ये आपको तीनों टेबल्स में मिलेगा, जनरल, एडमिशन एंड पी। तो इट मींस रोल नंबर हमारा एक ऐसा फील्ड है जो इन तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 2 है तो उसका नेम है, एड्रेस ये है, एडमिशन नंबर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, किस मेथड से उसने एडमिशन ली है वो यहाँ से पता चल जाएगा और कितनी फीस उसने पे की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक पाइवट टेबल में लेके आनी है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझते हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके पास डिफरेंट टेबल्स में डेटा पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उनमें रिलेशन क्रिएट करते हैं। एक टेबल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होगा, उसमें एक यूनिक की से मतलब क्या है। अब जैसे हमारे रोल नंबर हैं या फिर हम अपनी बात करें, हमारा आधार कार्ड नंबर, अब ऐसा तो नहीं होगा कि दो पर्संस का सेम आधार कार्ड नंबर हो। सिमिलरली स्कूल में अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो उन सबको डिफरेंट रोल नंबर्स अलॉट होते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिक। तो यहाँ पे हमारी यूनिक की क्या कौन सी है, रोल नंबर, जो यूनिकली उस पर्सन को आइडेंटिफाई करती है। अगर मैं महक की बात करूँ तो महक का रोल नंबर है 1, जो कि उसका एड्रेस क्या है। तो इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा नाम है उस नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा आधार कार्ड नंबर है वो मेरा कॉमन नहीं होगा, वो यूनिक होगा, जो मुझे यूनिकली बाकी लोगों से डिफरेंटली बताएगा कि ये जो इस पर्सन का नेम, उसका आधार नंबर ये है और उसका एड्रेस। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं नेम की हेल्प से चेक करूँ कि स्टूडेंट ने कितनी पे की है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो कंडीशन है, आपने अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में लेके आना है। तो अब मैंने अपने नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, ये तीन टेबल्स मेरे क्रिएट। अब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। मैं फर्स्ट टेबल पे आ गई हूँ, सेल पे मैंने क्लिक किया, थर्ड टैब में गई, पाइवट टेबल पे क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैं पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स हुआ, उसने रेंज पूछी है, रेंज में मेरा टेबल क्रिएट है, उसने ऑटोमेटिकली टेबल का नेम ले लिया है जो कि जनरल। तो मैं पाइवट टेबल कहाँ पर क्रिएट करने लगी, पाइवट टेबल इसी एग्जिस्टिंग शीट में। हम बात आ जाती है चूज वेदर यू वॉन्ट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। यस, अब हम यहाँ पर मल्टीपल टेबल से डेटा लेके वाले हैं,
तो इसलिए इस चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मेरी एक्टिव है वो है टेबल नंबर 1। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे टेबल्स विजिबल हो गए हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल। अब अभी हम फील्ड्स को ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि आपकी गलत होगी, जो आंसर्स आएंगे वो गलत आएंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तीनों टेबल्स में। अब मुझे फीस दिखानी है लास्ट में, तो मुझे इसका मतलब जो मेरा फी वाला टेबल है उसका रिलेशन क्रिएट करना है एडमिशन से, और फी का ही रिलेशन क्रिएट करना है जनरल से। तो वो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? रोल नंबर की हेल्प। रोल नंबर मेरा तीनों में सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ग्रुप में रिलेशनशिप पे आप क्लिक करें। तो ऑलरेडी मेरे एक दो रिलेशनशिप को डिलीट, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारा जो टेबल नंबर 3 का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जो कि है फी। तो यहाँ से मैंने लिया टेबल नंबर, कौन सा कॉलम लेना है, रोल नंबर, किसके साथ इसको रिलेट करना है विद टेबल नंबर 2, और किस कॉलम के साथ इसको रिलेट करना है रोल नंबर, और इसको कर देना। तो ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो क्रिएट हो गया। सेकंड जो रिलेशन हमने क्रिएट करना है, अगेन टेबल नंबर 3, कौन सी टेबल नंबर 3, रोल नंबर साथ करना है टेबल नंबर 1, रोल नंबर। ओके, तो इस तरह से हमारे दो रिलेशनशिप क्रिएट हो गए, यानी कि टेबल नंबर 3 को टेबल नंबर 1 के साथ भी अटैच कर दिया है और टेबल नंबर 3 को टेबल नंबर 2 के साथ भी। तो इट मींस तीनों का जो रिलेशन वो क्रिएट हो गया है। तो अब हमें करेंगे क्लोज। तो अब आप देखिए पर आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी नेम, नेम मेरा फर्स्ट टेबल में है, तो ये सारे के सारे मेरे आ चुके हैं। उसके बाद मैं टेबल नंबर 2 पे जाऊँगी, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगी मैथ, इस मेथड के साथ उन्होंने एडमिशन ली है ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी देखिए दोनों ही मेथड्स यहाँ पर आ रहे हैं। टेबल नंबर 3 से अब हमने सेलेक्ट करनी है और इसको हम रखें, तो जैसे ही मैंने वैल्यू में रखी तो आप देख सकते हैं प्राइवेट टेबल जो वो मॉडिफाई हो गया। अब मेरे पास स्टूडेंट नेम है दीप्ति, सबसे पहले इसी का देखते हैं कौन से मोड से एडमिशन ली है, ऑफलाइन, और पेमेंट कितनी 64। तो फर्स्ट टेबल में जाते हैं, दीप्ति का रोल नंबर क्या है, 4। सेकेंड टेबल से देखते हैं रोल नंबर 4 ने ऑफलाइन एडमिशन, तो देखिए ऑफलाइन। बात करते हैं इसकी फीस की, तो जैसे कि दीप्ति का रोल नंबर 4 वाले शीट जाएंगे और 4 रोल नंबर की एंट्री, दैट इज, और यही हमारे प्राइवेट टेबल। तो इस तरह से अगर आपके डेटा में कोई रिलेशन है और आपके टेबल्स डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स में पले हुए हैं तो आप इजीली एक प्राइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।